का मान सम्मान किया था और आज भी बिना कोई विशेष समय लगाए, बिना कोई विशेष कोचिंग किए और मात्र पहले प्रयास में आईएएस के प्रॉपर आईएएस में सेलेक्ट करना, टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस उपलब्धि के लिए और बहुत बधाई देता हूँ और इस हीरे को जिन्होंने तराशा है, उन तराशने वाले जो विशिष्ट कारीगर जिनको हम कह सकते हैं, माननीय रामकिशन जी और उनकी धर्मपत्नी, उनको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी लाडली बिटिया को जन्म दिया और उसे काबिल बनाया। आईएएस की तैयारी इसको करनी थी, मेडिकल में सेलेक्ट हो गई थी। मैंने बोला था कि मेडिकल कर लो, कोटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। इसने लास्ट टाइम पर डिसीजन लिया कि नहीं मैं तो डीयू में जाऊंगी, डीयू में एडमिशन ले चुकी थी। बीएससी में बॉटनी ऑनर्स किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं तो लास्ट तक यानी कल तक ये चिंतित था कि एक डॉक्टर बनने से रख दिया, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो ईश्वर की विशेष कृपा रही कि मुझे मेरे साथियों का, परिवारजनों का और मित्रगणों का हमेशा जितना मैं लायक नहीं था उससे ज़्यादा प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैंने माधोपुर में भी 20-25 साल हो गए मुझे, सभी विभागों से, मुझे ये नहीं कि इंजीनियरिंग से ही, सभी विभागों का प्यार, जिस लायक में नहीं था लेकिन हर कर्मचारी ने मुझे हमेशा सहयोग किया। मैंने किसी काम के लिए बोला तो वो आदमी कैसे भी हुआ लेकिन उसने मुझे कोऑपरेट किया, हर विशेष रूप से सहयोग किया। और कुछ मित्रगण या बड़े भाई मान लो शिवलाल जी जो स्टेशन प्रबंधक से रिटायर हुए, किसी भी समय किसी भी खुशी में यानी हमसे ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस करवाया कि मुझे ज़्यादा खुशी है। और इन्होंने बढ़ चढ़ कर हर प्रोग्राम को, कभी भी अर्चना का रिजल्ट आया था 10th में, स्टेशन पे पहली मिठाई इनके हाथों से ही खाई हमने। और बाकी भी मेरे साथी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सुलोचना इसी आंगन में पली बड़ी है, यही इंस्टीट्यूट, यही रेलवे कॉलोनी, बचपन इसका यहाँ निकला। पिछले 4-5 साल से रेलवे कॉलोनी मेरी भी छूट गई, मैं बाहर रहने वाले चला गया, बाकी इसका बचपन रेलवे इंस्टीट्यूट यही कॉलोनी ना 3 किलोमीटर गेज में रहे, सब कुछ यहीं से रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ फिर करना उसको है, चयन उसका हुआ है। लेकिन जिसने अपन के बचपन के 15-16 साल रेल परिसर में निकाले हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो रेल परिवार के साथी कोई भी कहीं भी हो तो उनका हमेशा सपोर्ट करेगी। धन्यवाद।